में बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया मूर्ति अनावरण का, और एक बात कहने का मौका मुझे भी दिया गया, और बात भी जो हमारे देश के हालात हैं और जो थे और क्या कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, जो जाके मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का और कैसे कैसे जवाब दिया, और आज ऐसे ऐसे लोग हमारे इस देश में पैदा हुए जिनकी वजह से आज हम जिंदगी जी रहे हैं और हम सभी प्रोग्राम देख रहे हैं। जैसे कि उन्हीं में से थे हमारे एक वीर भगत सिंह। तो जब वीर भगत सिंह को फांसी होती है तो उनकी माँ उनसे जेल में मिलने जाती है और कैसे कैसे क्या कहती है, और आएगा इस गाने के माध्यम से। है कि आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। हाँ। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून भी वतन के काम आता है। और आएगा कैसे कैसे बताया। हाँ, हेरे सो सो पड़े मुसीबत बेटा, हो इसे उम्र जवान में ओए। सबके भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सो सो पड़े मुसीबत बेटा, सो सो पड़े मुसीबत बेटा, उमरी जवानी में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद जी। 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं उस वीर भगत के नाम, 100 रुपए से विनय चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी माँ कहती है, बेटा इस काल कोठरी में कदे नू मत सोची और ना मेरे दूध का लजाना करिए। एक माँ होती है अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखती है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे, और आज वही मुकाम है मेरी जिंदगी में, और कैसे कैसे बताती है। कैसे? कैसे? ढंग नया करेंगे हिंदवासी, ढंग नया करेंगे बड़ाई तेरी सुन करेंगे, बड़ाई तेरी सुन करेंगे हिंदवासी, ढंग नया करेंगे बड़ाई तेरी सुन करेंगे। शेर की मां मन कह करेंगे, शेर की मां मन कह करेंगे हिंदुस्तान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। जय भारत, जय 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 भगत सिंह, जय हिंद, जय शेर की माँ जा रही है और तेरे ही गुण गाएंगे सदी से, तो क्या बताती है। सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा
तीनों दोस्त थे वो, और क्या नारा लगाते हैं? क्या? मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। हाँ, ओए हे, इसा एक गोरख धंधा बने, इसा एक गोरख धंधा बने, आजा हदी का किला चने, आजा हदी का किला चने, इसा एक गोरख धंधा बने, आजा हदी का किला चने, भगत सिंह जैसा पूत जने, भगत सिंह जैसा पूत जने, जैसा कौन जहान में ओ, भगत सिंह कदी घबरा न तेरा बंद मकान में ओ, भगत सिंह कदी घबरा न तेरा बंद मकान में। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों सलूट करते हैं श्री लालचंद जी फौजी साहब। आदरणीय श्री लालचंद जी फौजी साहब, अमर शहीद भगत सिंह की इस प्रस्तुति पर 500 रुपए का इनाम दे करके मेरे कलाकारों का हौसला बढ़ाया है। लालचंद जी का जोरदार तालियों से स्वागत, आइएगा। हाँ, हाँ? हरि मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, धरती सुनहरी अंबर लीला, हो धरती सुनहरी अंबर लीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। मान सम्मान करके गई है हमारी एक आंटी जी, नाम नहीं बताया, बहुत दिन से धन्यवाद करूंगी। और एक बात अपने नौजवानों के लिए कहना चाहूंगी, ये ना तो माँ बाप के बारे में सोचते हैं और ना ही अपने देश के बारे में सोचते हैं, बस ये तो किसी तीसरी चीज के बारे में ही सोचते हैं। किसके बारे में? एक बात कहना चाहूंगी, इन कामों में ना कुछ रखा ना कभी किसी को हासिल हुआ। क्या? अगर कुछ करना है तो अपने देश के लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो, जो दुनिया भी तुम्हें याद करो। कैसे? कैसे के अरे क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, के क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, दो गज जमीन नहीं मिलेगी तुम्हारे इस दफन के वास्ते, और मरना है तो मरो मेरे इस हिंदुस्तान के वास्ते, और हम जैसी हसीना भी दुपट्टा उतार देगी तुम्हारे कफन के वास्ते। बहुत सुंदर शेरो शायरी के साथ। अब क्यों मरते हो रे यारो बेवफा सनम के वास्ते, दो गज जमी मिलेगी दफन के वास्ते, मरना है तो मरिए अपने वतन के वास्ते, क्योंकि ये हसीना भी दुपट्टा उतार देंगी तेरे कफन के वास्ते। इस देशभक्ति जज्बे पर खुश होकर के राव साहब, हम सबके लोकप्रिय सांसद, मोदी जी की कैबिनेट में मिनिस्टर राव इंद्रजीत जी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो गांव झाबुआ से हैं, भाई हमेश जी झाबुआ, एक बार साथियों जोरदार तालियां बजा के स्वागत करिएगा भाई हमेश जी झाबुआ। आप राव साहब की इस रैली में, सभा में 500 रुपए का इनाम देकर के जो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, अपने साथियों के साथ आए हैं हमेश जी झाबुआ,
जो राम साहब के बड़े करीबी कार्यकर्ता हैं, 500 रुपए दिए, भाई साहब का धन्यवाद। जाते जाते वो लोग तो चले गए जिनको जो करना था वो कर गए और आज हमें खुली जिंदगी, आजादी की जिंदगी दे गए। लेकिन जाते जाते भी आज अगर उनकी आत्मा यहाँ सुन रही होगी तो गर्व तो कर रही होगी कि हाँ आज मेरा देश आजाद है, लेकिन कुछ नौजवानों को देख के उनकी आत्मा रोती होगी। और कैसे उन्होंने कहा, कर चले हम फिदा जान दल साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान दल साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों, कर चले। अमर यहाँ कोई नहीं है, लेकिन मरने से पहले अपनी जिंदगी में एक काम ऐसा कर जाओ कि जो आदमी तो चला जाए लेकिन उसकी जो गाथा है सदियों सदियों तक गाई जाए। और क्या बताया, मांगे राम गुरु का शरणा, मांगे राम गुरु का शरणा, मर के बिना में अमर है करना, मर के बिना में अमर है करना, मांगे राम गुरु का शरणा, मर के बिना में अमर है करना, एक दिन होगा सबने मरना, एक दिन होगा सबने मरना, भगवान में हो भगत सिंह कट जी घबरा न तेरा बंद मकान में, हो भगत सिंह कट जी घबरा न तेरा बंद मकान में, सो सो पड़े मुसीबत बेटा, सो सो पड़े मुसीबत बेटा, पर जवान में हो भगत सिंह कट जी घबरा न तेरा बंद मकान में, हो भगत सिंह कट जी घबरा न तेरा बंद मकान में, हो भगत सिंह कट जी घबरा न तेरा बंद मकान में। बोलिए भारत